सारा अली खान आज जो भी हैं उसका श्रेय वो अपनी माँ अमृता सिंह को देती हैं। हालांकि वो अपने पापा सैफ से भी उतना ही प्यार करती हैं, लेकिन अगर लगाव की बात करें तो वो माँ से ही, क्योंकि माँ ने उन्हें सिंगल मदर के रूप में पाला है। सारा की माँ अमृता सिंह भी अपने समय की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। हालांकि शादी, बच्चों और परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था। अमृता ने पटौदी खानदान के वारिस सैफ से शादी की थी। हालांकि पटौदी खानदान में उन्हें वो रुतबा नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। खैर, लेकिन अमृता भी कोई कम फेमस परिवार से नहीं थी। हाँ, लेकिन पटौदी खानदान के मुकाबले उनकी फैन फॉलोइंग कम रही। चलिए आज आपको अमृता और उनके परिवार के बारे में बताते हैं कि सिख फैमिली से ताल्लुक रखने वाली अमृता सिंह कैसे हीरोइन बन गई। अमृता के परिवार वाले दिल्ली की जानी मानी हस्तियां थी, खासकर सारा अली खान की नानी और अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना। सारा सिर्फ अपनी मां की ही हूबहू जेरोक्स नहीं दिखती, बल्कि उनके नया नक्श उनकी नानी से भी काफी मिलते जुलते हैं। अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना मुसलमान थी और पिता शविंदर सिंह विर्क पंजाबी सिख जाट फैमिली से ताल्लुक रखते थे और एक आर्मी ऑफिसर थे। एक समय ऐसा था जब उनकी मां रुखसाना सुल्ताना का नाम सुनते ही दिल्ली के मुसलमान डर के मारे छिप जाते थे। दरअसल उनकी मां रुखसाना सुल्ताना अपने समय की युवा कांग्रेस की बड़ी नेता थी। उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी से उनकी नजदीकियों के किस्से आम थे। बढ़ती जनसंख्या के चलते रुखसाना को नसबंदी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बस इसी जिम्मेदारी के चलते लोग रुखसाना से डरते थे, खासकर दिल्ली के मुसलमान। हालांकि जब इमरजेंसी हटी तो रुखसाना इन खबरों से अपने आप ही दूर हो गई थी। अमृता सिंह रुखसाना और शिविंदर की इकलौती बेटी हैं। वो रिश्ते में फेमस राइटर खुशवंत सिंह की भतीजी भी हैं। अमृता के पिता और माँ दोनों का नाता इंडस्ट्री के लोगों से रहा। दरअसल अमृता के पिता शिविंदर शाहरुख के बचपन के दोस्त थे, क्योंकि उनकी माएँ पुरानी दिल्ली में एक साथ काम करती थीं और शिविंदर शाहरुख की बहन शहनाज दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे। और अमृता की माँ रुखसाना की रिश्तेदारी बेगम पारा से थी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और दिवंगत स्टार दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की पत्नी भी थी। वो अमृता की ग्रेट आंटी थी। शायद इसीलिए अमृता भी फिल्म नगरी में आई। फिल्म बेताब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और पहली ही फिल्म हिट रही और अमृता का करियर भी। इसके बाद अमृता की झोली में कई फिल्में आईं, लेकिन सैफ से शादी के लिए अमृता सिंह ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। हालांकि इससे पहले अमृता सिंह का नाम रवि शास्त्री से भी जुड़ा था, पर एक शर्त की वजह से उनका रिश्ता नहीं चल पाया। उन्होंने अमृता के आगे शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और हाउसवाइफ बन जाएंगी। अमृता सिंह को ये बात मंजूर नहीं थी। इसके बाद अमृता अपने से 12 साल छोटे सैफ अली खान के प्यार में पड़ी, लेकिन रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया। दोनों का तलाक हो गया। अमृता सिंह दोनों बच्चों को लेकर अलग हो गई और सैफ करीना के प्यार में पड़ गए। सैफ ने करीना से शादी कर अपना घर दोबारा बसा लिया, लेकिन अमृता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों की परवरिश में ही निकाली। अमृता सिंह ने फिल्मों में वापसी की और यही उनकी कमाई का जरिया भी बना। इसके अलावा वो टेलीविजन, ब्रांड, विज्ञापन और इवेंट्स आदि से कमाई करती हैं। उनके पास मुंबई में अपना आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां आदि जैसी जायदाद है। एक रिपोर्ट की माने तो अमृता सिंह की कुल संपत्ति लगभग 15 मिलियन डॉलर है। वहीं कहा जाता है कि सैफ से भी उन्हें बच्चों के खर्चे के तौर पर पैसे मिलते हैं। भले ही अमृता पार्टनर के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा पाई, लेकिन एक माँ के तौर पर वो सक्सेसफुल रहीं। उनकी बेटी सारा अली खान फेमस एक्ट्रेस है और इब्राहिम भी खूब लाइमलाइट बटोरते हैं। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।